और वहीं विश्व संवाद केंद्र और प्रेरणा शोध संस्थान न्यास ने यथार्थ हॉस्पिटल के सभागार में नारद जयंती और पत्रकार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। चर्चित फिल्म निर्माता संदीप मारवाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के ए बद्रीनाथ विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता NCDEX के पब्लिकेशन रिलेशन के प्रबंधक भुवन भास्कर ने की और वहीं संदीप मारवाह ने बताया कि आजकल शीघ्र समाचार देने की वजह से कई बार गलत समाचार भी चल जाता है। उन्होंने अध्ययन पर जोर दिया और कहा कि एक पत्रकार को सत्यनिष्ठा के साथ भाषा पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। भुवन भास्कर ने बताया कि पत्रकार के लिए पत्रकारिता एक धर्म की तरह है और पत्रकारिता का एक ही धर्म है, निष्पक्षता। आपकी लेखनी तभी प्रभावी हो सकती है जब आप निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें। लेकिन शायद विजन थोड़ा सा इससे बेहतर था, बड़ा था। हम चाहते थे कि एक बहुत बड़ा मीडिया सेंटर यहाँ बने और 1986 में मैंने ये एप्लीकेशन दी नोएडा अथॉरिटी को। पिछली कहानी नहीं सुना रहा, जबकि बहुत जगह से रिजेक्ट होना पड़ा था, लेकिन 86 में ये मैंने फाइल दी, 87 में पास हुआ, 88 में अलॉटमेंट हुई और 1991 में उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो मारवाह स्टूडियो बनके तैयार हो गया। लोगों ने मुझे फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी कहना शुरू कर दिया। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि 1991 में हम लोगों ने स्टूडियो शुरू किया। लोगों ने और हमारे ही दोस्त पत्रकारों ने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखकर फिल्म सिटी को बंद कराने की पूरी कोशिश की कि ये फेल हो गई, ये लुट गई, ये बर्बाद हो गई, यहाँ लोग काणे हो गए, यहाँ ये हो गया। जितने इंटरेस्टिंग टॉपिक हेडिंग हो सकते थे वो बने,